बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बॉयलर मैंने चिकन का कीमा लिया था, वो उसमें डाली आधा किलो चिकन का कीमा है। इसमें मैं एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, दो चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, डेढ़ चम्मच सिरका, आधा चम्मच काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बैटर बनाने के लिए आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो अंडों की मैंने सफ़ेदी ले ली है, इसको बीट कर लिया है। हम बैटर तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और उसको ठीक सा बैटर बना लेंगे। बाकी की भी सर इसमें सफ़ेदी ऐड कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है, इसको अब हम आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसको प्रॉपर एक शेप दे देंगे और शेप देने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि इसकी शेप जो है वो ठहर जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बाकी के भी चिकन को इसी तरह हम मैरिनेट कर लें। फ्रायर में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो आप पैन में भी इसमें गर्म ऑयल करके इसमें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको फ्रायर में फ्राई कर रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म करके आपने इसको हल्की आग पे पकाना ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी। लीजिए गर्मा गर्म मजेदार किस्म के चिकन नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी और मजे सी रेसिपी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मजीद मजे की और इजी रेसिपीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।